जहां एक ओर सरकार गरीब आदिवासियों के रहने और खेती के लिए वन भूमि के पट्टे दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के बने आवास गिराए जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ टीकमगढ़ जिले की तहसील जतारा के ग्राम बछौड़ा में, जहां वन विभाग की टीम ने सालों से बनी आदिवासियों की झोपड़ियों के पास बने आवास को बनने से पहले ही तोड़ दिया गया। गोरेलाल आदिवासी का कहना है कि वन विभाग के द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही कोई विभागीय नोटिस। हितग्राही गोरेलाल आदिवासी ने बताया कि उससे कर्मचारियों के द्वारा उससे 10,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से उसने 5,000 रुपए दे भी दिए थे, बाकी के 5,000 रुपए देने बाकी थे जो वो समय पर नहीं दे पाया। गोरेलाल ने बताया कि इसकी शिकायत उसने दिगोड़ा थाने में आवेदन देकर की है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गोरेलाल मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जिस झोपड़ी में गोरेलाल का परिवार रहता है, उसमें बारिश में जगह जगह से पानी टपक रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा आवास मिला था, जो उसने अपनी झोपड़ी के बगल में ही नींव डालकर पिलर खड़े किए थे, जो वन कर्मी राम सिंह ठाकुर और लखन कुशवाहा द्वारा तोड़ दिया गया।